बॉस आपके लिए पहाड़ी फल लाए हैं हम, खाएंगे क्या? हाँ लाओ, टेस्ट करके देखो। नहीं बॉस को हम खिलाएंगे, बॉस ये बेडू है। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह है सुबह का समय और हम कर चुके हैं नाश्ता, और आज आप देख सकते हैं कि इस समय अच्छी धूप खिली हुई है, आसमान में बादल भी हैं लेकिन धूप भी चटक है। शिब्बी ने फेंक दी यहाँ अपनी बॉल और उसको मिल नहीं रही है। देखी भी तूने कहाँ गिरी? मुझे घास में पता भी नहीं चलेगा। मिल गया, फेंक मुझे दे। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, हाथ से दे। माल्टा से बड़ा जो चबूतरा होता है वो है ये, तो ये सूख करके हार्ड हो रखा है, मस्त सिकुड़ गया। पूरी बॉल का काम कर रहा है, अच्छी तरह से सिकुड़ा हुआ है तो टाइट है काफी। ये छोटी बॉल है। अब धूप तेज हो रही है, सारे बर्तन सूख चुके हैं तो इनको ले जाया जा रहा है अब किचन में। ये गिर गया था पैर में गिर गया था बेटा। इसको भी रख, फटाफट कर यार। शिवी तू कैसे काम करता है यार, स्लो स्लो बाइक है तेरी, बैटरी स्लो है क्या? जो पिछले सीजन में हमारे यहाँ कद्दू हुए होंगे तो उनको हमने अभी भी रखा हुआ है, मतलब हम उनका यूज़ खाने में नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे पालतू पशु हैं गाय और बच्चियां हैं उनके लिए हम डेली एक कद्दू काटते हैं मॉर्निंग में और फिर उन सबको खिलाते हैं। तो ये देखिए एक कद्दू ये भी रखा है, और इन्हीं कद्दू को जब हम शहरों में जाते हैं तो एक काफ़ी महंगी कीमत पे हम इनको ख़रीदते हैं सब्जी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ हम इनको देते हैं पालतू पशुओं को। और ये इनके देखिए ये हैं बीज, तो इनके जो बीज होते हैं ये भी प्रोटीन के काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं। इनको गर्म तवे में रखा और हल्का सा भून दिया, और उसके बाद इनके बाहर के छिलके को निकाल कर खाओ। अरे वाह सी भी, किसके ग्लव्स हैं ये? इनको तो दादी यूज़ करती है ना कंडली काटने के लिए, हैं? हाँ। मजबूत हैं काफ़ी। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of... बॉस आपके लिए पहाड़ी फल लाए हम, खाएंगे क्या? हाँ लाओ, टेस्ट करके देखो। नहीं बॉस को हम खिलाएंगे। बॉस ये बेडू है। कैसा लगा बेडू? अच्छा है। सही बॉस है? एक और हो जाए। बॉस एक और खा, आधा हो जाए। आधा खा लीजिए, आधा बहुत खा लीजिए, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत पौष्टिक। नहीं खाएंगे? नहीं। चलो तो हम खा लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं बेडू, और आजकल हम डेली बेडू खा रहे हैं, काफी पौष्टिक फल होता है। मैं कैसे बॉस ने तो आधा ही खाया। बॉस को बाहर के फल पसंद आते हैं ना दुकान के। बॉस मान गए, मना किए वर्ड पे। पता कितने किलो की है बाल्टी? कितने किलो की? 20 लीटर। 20 लीटर की। हाँ। तुम बैठे रहो मजे से यहाँ। चलो नाओ फटाफट। बॉस की गद्दी पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करे बॉस, उस वाली गद्दी पे बैठ जाए प्लीज। यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी गद्दी। ठीक है बॉस, ठीक है। बॉस की उंगलियां नहीं मुड़ती है, बॉस की उंगलियां सीधी रहती है। बॉस हमेशा ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स क्योंकि इनको गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। तो यहाँ पर सलाद के लिए काटे जा रहे हैं प्याज, और प्याज तो काटे जा रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसू देखो जरा क्या तरह तरह है। मैंने कहा ना बाहर काटो, दो उसमें बाहर बैठ के अच्छा है। तो अभी हो रहा है टाइम 12:15 और खाने की तैयारी भी चल रही है, और अभी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर स्नान। तो दोस्तों ये है पहाड़ी दाल, छीमी भट्ट रयास सब मिक्स है इसमें, और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी दाल है, अभी इसमें नमक मिर्च नहीं डाला गया है।
ले जाएगा 5 किलो का डिब्बा। जमन तू भी चले जा छन्नी में। अरे छन्नी बैठ घूमेगा जा जा। अरे आ जाने जल्दी आना शिवी। तो ये है शाम का टाइम और अभी समय हो रहा है 5:30 बजे। दिन में यहाँ बहुत अच्छी धूप थी चटक और अब देखिए आसमान फिर पूरी तरह से पैक हो गया है बादलों से। और यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है रात की सब्जी बनाने का। आज क्या बन रहा है? भुज्जी। भुज्जी तो यहाँ रोज मिल रही है ना। पर ये चौलाई ही है। हाँ। तो अभी चूल्हे में रखे हैं चने और आलू। तो एक सब्जी बनेगी चने और आलू की और उसके साथ बनेगी ये हरी भुज्जी। तो हरी भुज्जी तो ये है कि आजकल यहाँ डेली बन रही है क्योंकि खेतों में खूब हो रखी है हरी भुज्जी। जब हम अपने लिए रात के खाने की तैयारी करते रहते हैं उस समय हम अपने पालतू पशुओं के लिए सुबह के नाश्ते की भी तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें रखा है पिंडा और आज इसमें डाल रखे हैं भीमल के पत्ते। तो ये भीमल के पत्ते सर्दियों के मौसम में पेड़ों से कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद इनको सुखा करके थैलों में रख दिया जाता है। और अब इस समय ये काम आएगा इनके ब्रेकफास्ट का। तो इसमें अभी मैं डालूँगा पानी और पानी इतना डालना है कि जिससे ये ज़्यादा गीला भी ना हो, मतलब एक निश्चित मात्रा में पानी डालना है इसमें। तो ये आधा कसीर अब पानी का डाल दिया हमने इसमें और अब इसके नीचे जलाई जाएगी आग और इसको अच्छे से उबाला जाएगा। और ये देखिए गौरैया मज़े से आ रही है यहाँ पे हमारे आसपास। यहाँ पर ना एक छोटी सी बिल्ली है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जा ये देख बिल्ली बन गई बिल्ली। अरे 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 आ जा। ये लगभग आधे घंटे से पक रहा है तो अब इसको पलटाना पड़ेगा जरा ऐसे। अभी टाइम हो रहा है 6:55। शिबी भी साधना भी और समीक्षा भी तीनों के तीनों दादी के साथ जा रखे हैं खेत में। और घर में किसी न किसी व्यक्ति को इस वजह से रहना पड़ता है क्योंकि लंगूर यानी कि गूणी और बंदर यानी कि बांदर इनका यहाँ आतंक है। तो अगर कुछ देर के लिए भी हम घर में नहीं रहेंगे तो जो घर के आसपास हमारी बागवानी है वो उसको चट कर जाएंगे। तो इसलिए घर में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों का स्नेह और सहयोग हमारे चैनल को लगातार मिल रहा है और इसके लिए हम आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपका यह सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग्स हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।